हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर पारद शोधन एंड पारद विशेष शोधन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारद संस्कार और पारद की गतियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारद के संस्कार की। संस्कार क्या है? तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, संस्कारों ही नामो विशेष गुण अंतरा दानम, कि कोई भी संस्कार वह है जो किसी भी द्रव्य में कोई विशेष गुण का आदान करे, उसे विशेष गुण दे, या उसमें से किसी गुण का हराश कर दे, या उसे किसी और तरीके से बदल दे। तो संस्कार यहाँ पे हम चार तरह से लेंगे, और स्पेशली ये मेंशन किए गए हैं इन रेफरेंस टू पारद। जब भी हम पारद के संस्कार करते हैं तो उसमें क्या बदलाव आते हैं? फर्स्ट, इट कैन डू अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। सेकेंड, वो प्यूरिफिकेशन करता है। थर्ड है एनहांसमेंट, एंड फोर्थ है कन्वर्जन। यहाँ पे जो कन्वर्जन वर्ड है, इसके लिए यूज किया गया है जब अष्ट संस्कार पूर्ण हो जाते हैं और पारद थेरेप्यूटिकल पर्पस के लिए यूज करने के लिए सुटेबल हो जाता है। उसके बाद के संस्कार जो है वो पारद के धातुवाद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें कि हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी संस्कार? संस्कार का यहाँ पे तीन भागों में से डिवाइड किया गया है, एट ग्रुप ऑफ 18 एंड ग्रुप ऑफ 19। 8 तरह के संस्कार, 18 तरह के संस्कार और 19 तरह के संस्कार। इनमें से जो 8 तरह के संस्कार हैं, ये देहवाद और धातुवाद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मींस 8 तरह के संस्कार कॉमन हैं, चाहे हम देहवाद के लिए मींस थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करें पारद को, या फिर धातुवाद के लिए यूज करें। लेकिन 8 संस्कारों के अगले जो संस्कार हैं, 10 संस्कार, वो धातुवाद के लिए बताए गए हैं, और 19 संस्कार भी धातुवाद के लिए बताया गया है। संस्कारों की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बताए गए संस्कार? तो यहाँ पे एक डिफरेंस भी बताया गया है कि शोधनम दोषरणम संस्कारस्य बल तेजो अभिवर्तनम। तो शोधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहा है। जब हम इन कंटेक्स्ट टू पारद बात करते हैं तो शोधन जो है केवल इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, जबकि जो संस्कार किए जाते हैं वे संस्कार पारद में बल तेज की वृद्धि करते हैं, उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी को बढ़ाते हैं, उसको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लायक बनाते हैं। और क्या यूजेस हैं? टू यूज पारद, इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म अष्ट संस्कार। यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है कि अगर हमें पारद को रसायन की तरफ तौर पे यूज करना हो या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करना हो, तो हमें अष्ट संस्कार पारद के करने चाहिए। रसायन प्रयोग करना है पारद का तो हमें अष्ट संस्कार के बाद ही करना चाहिए, जबकि यदि हम अष्ट संस्कारित पारद ना यूज करके असंस्कारित पारद अगर हम यूज करेंगे तो उससे कौन कौन से रोगों की उत्पत्ति होगी? कुष्ठ, अग्निमांद्य, कृमि, छर्दी, आरोचक, जाट्य, दाह और मरण, इन सब रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। और नेक्स्ट इज, कौन कौन से 18 संस्कारों का वर्णन किया गया है? तो 18 संस्कार को नाम है स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन, नियमिन, दीपन, अनुवासन, ग्रासमान, चारण, गर्भद्रुति, बाह्यद्रुति, जारण, रंजन, सारण, क्रामण, वेद और भक्षण। जो भक्षण है वो 19th संस्कार है। इनमें से स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन, नियमन, दीपन, ये 8 ग्रुप ऑफ संस्कार है जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं देहवाद के लिए। इसके आगे के जितने भी संस्कारों का वर्णन किया गया है या नाम दिया गया है वो यूज होते हैं लोहवाद या धातुवाद के लिए। अब 8 संस्कार ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? तो इसके लिए रसरतन समुच्चय ने कहा है, इत्य अष्टो सूत संस्कारा समा द्रव्य रसायने। मतलब अगर हम रसायन के लिए या थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए पारद को यूज करते हैं तो हमें 8 ही संस्कार करने जरूरी हैं, रेस्ट ऑफ द संस्काराज आर फॉर धातुवाद। इसी तरह से एक और कोटेशन आती है जिसमें कहा है कि 8 संस्कारस पारद कैन बी यूज्ड फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस व्हाइल रेस्ट ऑफ 10 संस्काराज आर मेनली मेंशनड फॉर लोहवाद या देहलोवाद के लिए उन्हें बताया गया है। नेक्स्ट इज, कौन से 8 संस्कार? तो ये 8 संस्कार वो संस्कार हैं जिनका भी हम नाम लिया था, इन्हें याद करना जरूरी है। इनका नाम है स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन। ये 8 संस्कार हैं जो सबसे विशेषता इंपॉर्टेंट हमें बताए गए हैं। इन 8 संस्कारों को आपने देखा होगा दो कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, वन इज रेड, अनदर इज ग्रीन, जिनका नाम ग्रीन कलर से लिखा गया है, मर्दन, मूर्छन, रोधन। इन संस्कारों में अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता,
जबकि रेस्ट ऑफ रेड कलर संस्कारास जितने भी लिखे हैं उनमें अग्नि का प्रयोग किया जाता है। इनको एक और तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन। यहाँ तक पांच संस्कार जो हैं वो भारत के शोधन प्रक्रिया करते हैं, जबकि रेस्ट थ्री, रोधन, नियामन, संदीपन, ये भारत की बल तेज की वृद्धि करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कि हमें जब भी संस्कार करने हैं तो कितना पारद लेकर हमें संस्कार करना चाहिए, उसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो है अर्धपल और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 2000 पल या 2000 पल। तो इसमें अर्धपल का मतलब है 24 ग्राम और 2000 पल का मतलब है 96 ग्राम, 96 kg हम पारद लेकर उसका संस्कार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट संस्कार। संस्कारों में इन संस्कारों को कैसे किया जाता है, तो स्वेदन संस्कार को किस प्रकार से किया जाता है, तो इसमें हम इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, पारद जो भी हमने क्वांटिटी ली है पारद की उससे 1/16 पार्ट राई, सेंधव, शुंठी, मरिच, पीपल, चित्रकमूल, अदरक, मूली, इन सबको लेकर कल्क बना लिया जाता है, जिसका चूर्ण उपलब्ध हो उसका चूर्ण, और जैसे मूली है, मूली अगर रॉ भी है तो उसको हम लेकर कल्क बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अदरक जो है वो भी जो फ्रेश है उसको लेकर हम यूज़ कर सकते हैं, कल्क बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसका कल्क बनाया जा सकता है। तो इसी की कंटिन्यूशन में हमें इसमें यंत्र कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो दोला यंत्र हम इसमें यूज़ करते हैं, लिक्विड कौन सा यूज़ करते हैं, कांजी। इस स्वेदन कर्म का इफेक्ट क्या होता है पारद के ऊपर, तो पारद के जो दोष हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है वो दोष जो है स्वेदन संस्कार से शिथिल हो जाते हैं। हमने पहले डिस्कशन किया है कि शुरू के पांच जो संस्कार हैं वो यूज किए जाते हैं पारद से दोषों को मुक्त करने के लिए, पारद को दोष रहित बनाने के लिए, और रेस्ट ऑफ थ्री हम यूज करते हैं उसकी उसी पारद की बल तेज वृद्धि के लिए, जो संस्कार का एक्चुअल मोटिव है। इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें लगभग 3 दिनों का टाइम लगता है। 3 दिन में इसका पूर्णता स्वेदन कर्म हो जाता है। इसे स्वेदन कर्म को करते कैसे हैं, तो स्वेदन कर्म को करने के लिए यहाँ पे आपको दोला यंत्र दिखाया गया है। इस दोला यंत्र में जो पोटली रखी गई है, तो सबसे पहले पारद को लेंगे, इस कल्प के बीच में रखेंगे, और इस कल्प के बीच में रखने के पश्चात उसे हम एक कॉटन क्लॉथ में रखेंगे, लेकिन कॉटन क्लॉथ में पहले हम रखेंगे एक वटपत्र या कोई भी बड़ा पत्र जो हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जिसमें हम कल्क रखेंगे, उसके बाहर कॉटन अपना कॉटन क्लॉथ को बांधेंगे और पोटली बनाकर दोला यंत्र में डुबा कर रख देंगे। इसमें जो लिक्विड यूज किया जाएगा वो है कांजी। तो रेस्ट ऑफ जो आपका इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने यहाँ आपको दिखा दिया गया है। 3 दिन तक हमें इसके हीट करते रहना है, लगभग हर दिन हमें 8 घंटे तक हीट देनी होती है। उसके बाद हम इस पोटली को बाहर निकालेंगे, उस कल्प में से पारद को लेंगे, ट्रे में डालेंगे और उसे गर्म पानी से या कांजी से धोकर फिल्टर करके अपने पास कलेक्ट करके रख लेते हैं। नेक्स्ट इज मर्दन। अब जो पारद हमें स्वेदन से मिला उसी पारद को खरल में डालते हैं। खरल में डालने के बाद उसमें और क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं, तो उसमें ऊन की मस्सी, बकरी की ऊन की मस्सी हम लेते हैं, जलाई हुई ऊन, सेंधव लवण, ग्रह धूम, इष्टिका चूर्ण और राई, इनका कल्प लेते हैं, ईच ड्रग 1/16 पार्ट टू द पारद, और इन्हें खरल में डालकर पारद के साथ मर्दन करना शुरू कर देते हैं। इस मर्दन में अगर हमें लिक्विड की जरूरत पड़ती है तो हम कांजी यूज करते हैं, और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो है खरल, लेकिन खरल जो है इसमें तप्त खरल का प्रयोग किया जाता है, और ये जो मर्दन है ये भी रोज 8 घंटे होगा और मिनिमम 3 डेज तक किया जाता है। इस कर्म को करने से बहिर्मल विनाशनम, जो पारद के बहिर्मलों का हमने बाले बात की थी जब हमने मलों का वर्णन किया था पारद के, तो उसके बहिर्मलों का नाश होता है या बहिर्मल से वो मुक्त हो जाता है। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा होगा कि कैसे खरल यूज की गई है, और यहाँ पे तप्त खरल का वर्णन किया गया है, इसलिए खरल को हॉट प्लेट पर रखा गया है। इसमें मर्दन करते रहेंगे, मर्दन करने के पश्चात जब 3 दिन हो जाएंगे तो इसमें कांजी से या उष्ण जल को लेकर हम इसमें डालेंगे और धोएंगे, जो भी लिक्विड है उसे निकाल दिया जाएगा, जबकि रेस्ट ऑफ पारद जो नीचे सेटल होगा उसे हम फिल्टर करके कलेक्ट करके रख लेंगे। एंड द नेक्स्ट संस्कार इज मूर्छन संस्कार। मूर्छन संस्कार में हम
इंग्रेडिएंट कौन कौन से लेते हैं? तो मूर्छन संस्कार में हम लेते हैं घृत कुमारी, त्रिफला और चित्रक। इसमें घृत कुमारी का प्रयोग पारद के मल दोष के लिए, त्रिफला का प्रयोग पारद के अग्नि दोष के लिए और चित्रक का प्रयोग पारद के विष दोष को दूर करने के लिए किया गया है। इस संस्कार में भी हम पारद को खरल में डालकर इन द्रव्यों के साथ मर्दन करते हैं 5 दिनों के लिए, और हर दिन मिनिमम 2-8 आवर्स के लिए हम मर्दन करते हैं। ये खरल भी तप्त खरल होती है और इसे भी हमें हॉट प्लेट पर रख के ही मर्दन करना चाहिए। इसमें जो कांजी का प्रयोग है वो एज ए लिक्विड ऐड किया जाता है, क्योंकि तप्त खरल में बार बार लिक्विड खत्म हो जाता है, तो उसमें या सूख जाता है या वेपोराइज हो जाता है, तो इस वजह से हमें तप्त खरल के लिए बार बार कांजी का प्रयोग करना पड़ता है। अब इस संस्कार को करने से क्या इफेक्ट होता है पारद के ऊपर? तो पारद इससे जब नष्ट पिष्ट हो जाता है, जो पारद है वो अपनी चंचलता, अपनी एक्टिविटी, अपनी केमिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है, और उसे हम कहते हैं आयुर्वेद में कि पारद नष्ट पिष्ट हो जाता है, और इस संस्कार को सर्व दोष विनाशक संस्कार भी कहा गया है, क्योंकि मेन जो दोष थे मल, अग्नि और विष, इन तीनों दोषों को जो है इसके द्रव्य घृत कुमारी, त्रिफला और चित्रक के द्वारा दूर कर दिया जाता है। इससे नेक्स्ट संस्कार है उत्थापन संस्कार। तो जो पारद पीछे नष्ट पिष्ट हो गया, मोचन संस्कार से नष्ट पिष्ट हो गया, उसे अब उत्थापन संस्कार द्वारा फिर से एक्टिव बनाया जाता है। तो उत्थापन संस्कार जो है उसके मेन इंग्रेडिएंट 2 रहते हैं, एक है कांजी और दूसरा है नींबू स्वरस। इन्हें कांजी और नींबू स्वरस में पारद को नींबू स्वरस के साथ घोटकर या फिर कांजी में दोला यंत्र में डालकर 3 दिन तक या 1 दिन तक स्वेदन किया जाता है, और उसके बाद पानी के साथ, गर्म पानी के साथ धोकर फिल्टर करके रख लिया जाता है, कॉटन क्लॉथ के थ्रू पास आउट करके रख लिया जाता है। लेकिन अगर उसमें फिर भी कोई गंदगी दिखाई दे तो उसको बाहर धूप में रखकर सुखाया जाता है, और जब धूप में जो भी गंदगी है वो सूख जाए तो उसे फूंक मारकर उड़ा दिया जाता है, और रेस्ट ऑफ पारद को हम फिल्टर करके अपने पास रख लेते हैं। अब ये उत्थापन संस्कार करता क्या है? ये उत्थापन संस्कार पारद को स्वरूपा दान करता है। स्वरूपा दान का मतलब है जो पारद मूर्छना संस्कार में नष्ट पिष्ट हो गया था, अपनी एक्टिविटी को खो चुका था, अपनी केमिकल एक्टिविटी को रिड्यूस कर चुका था, अब वो केमिकल एक्टिविटी फिर से उसमें वापस आने लगती है। तो यहाँ पे जो दोला यंत्र में पारद को रखकर गर्म करना है या स्वेदन करना है वो मिनिमम 3 डेज के लिए हमें करना चाहिए। अगेन आपको यहाँ पे दोला यंत्र बताया गया है, दिखाया गया है कि कैसे पोटली में बांधकर पारद को रखा जाएगा और कांजी के अंदर उसे 3 दिन तक उबाला जाएगा। और नेक्स्ट संस्कार इज पातना संस्कार। पातना संस्कार बहुत सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है, क्योंकि इस संस्कार में 3 तरह की प्रक्रियाएं की जाती हैं। एक है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है अधोपातन और तीसरा है तिर्यक पातन। इस पातन संस्कार में हम विशेषता अग्नि का प्रयोग करते हैं, और अग्नि का प्रयोग करते हुए हम पारद को बार बार एक घट से दूसरे घट में ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक पात्र से दूसरे पात्र में इन अ वेपर फॉर्म हम उसे ट्रांसफर करते हैं या सब्लिमेशन करवाते हैं पारद का। तो इस संस्कार में जितने भी दोष, रिमेनिंग दोष हैं पारद के, उन सबको हटाया जाता है, और इस पातना संस्कार के बाद पारद को विशेष शुद्ध पारद मान लिया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन के लिए क्या ड्रग्स यूज की जाती हैं? ऊर्ध्वपातन के लिए 1/4 पार्ट ऑफ शुद्ध ताम्र को लेकर हम पारद में मिक्स करते हैं। 1/4 पार्ट किसका? पारद के 1/4 पार्ट हमें ताम्र लेना है, उसे खरल में डालना है और नींबू सोरस के साथ घोटना है। जब उसकी पिष्टी बन जाती है तो उस पिष्टी को हम घट यंत्र के साथ लगाते हैं। घट यंत्र आपको यंत्र दिखाया जाएगा। जैसे फर्स्ट जो इसमें फिगर है वो है ऊर्ध्वपातन की। तो इसमें नीचे जो आपका घड़ा दिख रहा है, इस घड़े में हमने पेस्ट लगाया है, पिष्टी लगाई है, तांबर से बने पारद की पिष्टी। उस पिष्टी को लेपित कर दिया जाता है और नीचे से अग्नि दी जाती है। जब हम अग्नि देते हैं तो पारद उड़ता है और ऊपर रखे हुए घड़े जिसमें कि ऑलरेडी ठंडा पानी है उसके कॉन्टेक्ट में आकर वो फिर से
चेंज हो जाता है अपने लिक्विड फॉर्म में और वहां पे टच करता है या ऊपर किसी जो ऊपर वाला कंटेनर है उसके सरफेस के साथ अटैच हो जाता है और चिपक जाता है। इसी तरह हमारे अधोपातन के लिए अगेन ड्रग सेम रहेगी, 1/4 पार्ट ऑफ शुद्ध ताम्र और पारद के साथ हम इसकी पिष्टी बनाएंगे और उसे अधोपातन करेंगे। तो सेकंड जो हमारी आप देख रहे हो अधोपातन के लिए यंत्र की फोटो दी गई है जिसमें कि एक घड़े को जमीन के अंदर रख दिया गया है और उसमें आपकी पानी रख दिया गया है, जबकि जिसमें जिस घड़े में पेस्ट लगाना है उस घड़े को ऊपर रखा गया है और उस ऊपर रखे हुए घड़े के अंदर पेस्ट लगाया गया है इसका पारद और तांबर की पिष्टी का। और ये घड़े के ऊपर हम उपले रखते हैं, बाहर वाले घड़े के ऊपर उपले रखते हैं और उन्हें आग लगा देते हैं। ये आग लगभग गजफुट के बराबर की आग होती है जिससे कि जितना भी पारद है वो छूटता है और नीचे जो पानी रखा है उसके अंदर जाकर अगेन अपनी फॉर्म को लेकर कलेक्ट हो जाता है। थर्ड जो हमारा पातना है वो है तीर्यक पातना, जिसे कि हम 1/4 पार्ट ऑफ शुद्ध अभ्रक के साथ और कांजी के साथ करते हैं। इसमें अभ्रक और कांजी के साथ मिलाकर पारद की पिष्टी बनाई जाती है और उस पिष्टी को तीरे के अंतर में डाल दिया जाता है। अब इसको तीरे के अंतर में देखिए दो घड़े हैं जो कि आपस में एक नलिका से अटैच रहते हैं। जो कलेक्शन वाला घड़ा है वो नीचे की तरफ रहता है जिससे कि अग्नि के बाद जो वेपर्स हैं वो ऊपर उठेंगे, नलिका में जाएंगे और कलेक्टिंग जो आपका घड़ा है उसमें आकर अगेन कूलिंग इफेक्ट के कारण वो कंडेंसिफाई होकर अपने लिक्विड फॉर्म में आकर कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये है तीरक पातन। तो हमने देखा कि कैसे पातना प्रोसेस जो है वो अलग अलग तरीकों से किया जाता है। इस पातना प्रोसेस में हम यंत्र जो है ऊर्ध्वपातन यंत्र, अधपातन यंत्र और तीरक पातन यंत्र का यूज करते हैं। अब इनसे होता क्या है, अगर हम ऊर्ध्वपातन करते हैं तो नाग वंग जो दोष है वो खत्म हो जाते हैं, जिसके लिए कहा है नाग वंग परित्यज्य सुदो भवति सूता। अधपातन के लिए कहा है कि अधपातन करने के बाद पारद रसायन योग्य कर्म करने योग्य हो जाता है और तीरक पातन करने के बाद वो कर्मकारी मीन्स अपनी एक्टिविटी को बढ़ा लेता है। इफेक्ट ऑन दोष क्या है इसका, ऊर्ध्वपातन से सकल दोष मुक्ति, सभी दोषों से मुक्ति होती है। अधोपातन से नाग वंग की शंका, मतलब थोड़े से भी अगर नाग वंग दोष उसमें रह गए हों तो उन्हें मुक्त कर उनसे मुक्त माना जाता है। और तीरक पातन द्वारा कृमि दोष और सर्व दोष की मुक्ति मानी गई है। इस पूरे प्रोसेस को करने में लगभग 3 हफ्ते का टाइम लगता है। तो नेक्स्ट है हमारा रोधन संस्कार। रोधन संस्कार में हम इंग्रेडिएंट क्या लेंगे, इसमें हमारा इंग्रेडिएंट है सैंधव लवण और जल। तो जो हमें पारद जो है पातना प्रोसेस के बाद मिलेगा उसे हम केवल लेकर पानी में डाल देंगे और वो पानी कितना होगा, 5x2 पारद और उसमें 1/2 पारद, जितना पारद है उसका एक हिस्सा जो है हम सैंधव लवण डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम उसे स्थय रख देंगे। स्थय का मतलब होता है 3 दिनों के लिए यूं ही छोड़ देंगे। ये प्रोसेस करना किसमें है, या तो स्थाली यंत्र में या फिर कांच कूपी में। कांच कूपी में पारद डाल के उसके ऊपर से पानी डाल के और फिर सैंधव लवण ऐड करके मिक्स करके आप उसे स्थित करके रख देते हो। इससे होता क्या है पारद, यह है सैंधा नमक और दूसरा था पानी, जिसे हम जैसे रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। तो इससे पारद पे इफेक्ट क्या आता है, वीर्य उत्कर्ष और मुमुक्षाकरण। जो पारद है नष्ट पिष्ट हो चुका था उसमें वीर्य की उत्पत्ति होती है, षंडत्व की निवृत्ति होती है और मुमुक्षाकरण का मतलब है वो फिर से केमिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और दूसरे द्रव्यों को अपने में समाहित करने में, अपने में मिलाने के लिए वो कैपेबल हो जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या आता है दोषों पे, जो उसके शैथिल्य दोष थे, जो भी दोष रिमेनिंग शैथिल्य बचे हैं वो सब जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से रोधन प्रोसेस को पूरा किया जाता है और इसमें 3 दिन का टाइम लगता है। इसमें आपको पिक्चर्स में बताया गया है कि एक तरफ सैंधव लवण है और दूसरी तरफ कि कैसे उसको स्थय करके पारद को रख देना है। नेक्स्ट जो हमारा संस्कार है वो है नियमन संस्कार। नियमन संस्कार जो है वो किन द्रव्यों के साथ किया जाता है, वो है पान पत्र, लहसुन, सैंधव, भृंगराज, बंध्याकर कोटकी और इमली। इन सबके साथ जो है पारद, इन सबको पारद के हर एक द्रव्य को पारद के 1/16 पार्ट लिया जाता है और इनका कल्क करके उसको पारद, उस कल्क में पारद को रख लिया जाता है। और अगेन इसमें जो यंत्र यूज होता है उसका नाम है दोला यंत्र, लिक्विड यूज इज कांजी। तो हमें सबसे जब जहाँ पे भी लिक्विड यूज आएगा वो है कांजी। जब भी हमने स्वेदन करना है तो कांजी का यूज करना है और जब भी हमें
पारित को फिल्टर करना है, धोना है, तो हमें ओशन जल का प्रयोग करना है। नियमित संस्कार करने से क्या होता है, निर्मल और तेजवान पारित जो है वो निर्मल और तेजवान हो जाता है, और दोषों पे क्या इफेक्ट है, चपलत्व दोष की निवृत्ति हो जाती है। जो पारित का चपलत्व दोष है जिसके कारण वो बहुत यहाँ वहाँ भागता है, जब हम रोदन संस्कार करते हैं उसके बाद केमिकल एक्टिविटी ऑफ पारित बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो यहाँ वहाँ भी फिजिकली भी ज्यादा मूव करने लगता है, तो वो चपलत्व जो उसकी एक्टिविटी है वो उसकी निवृत्ति हो जाती है। इस कर्म को करने में 3 दिन लगते हैं। अगेन इट इज डन इन दोला यंत्र। दोला यंत्र में हम पोटली को रख देंगे और हर दिन 8 घंटे की इसको हीट देंगे और स्वेदन करेंगे इन द्रव्यों के साथ जो आप भी आपको बताए गए। तो इस तरह से हमारा नियामन संस्कार कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इज दीपन संस्कार। दीपन संस्कार में हम पारित के साथ किन किन द्रव्यों को लेंगे, दे आर स्फटिक, कासीस, टंकण, मरीच, सैंधव, राई और शिग्रु। इन सभी द्रव्यों को लेकर हमें इन सभी द्रव्यों को अगेन 116 पार्ट ऑफ पारित लेना है, और इन सब द्रव्यों को लेने के बाद हमें क्या करना है, अगेन कल्क बनाना है, उस कल्क में हमें पारित को रखना है और वैसे ही पोटली बनाकर हमें दोला यंत्र में डालकर कांजी के साथ स्वेदन करना है। इन इस प्रक्रिया इस इन ड्रग्स के साथ स्वेदन करने पर पारित ग्रासार्थी, दीपन और बलत्व हो जाता है। इसका यहाँ पे मतलब है कि पारित अब रेडी है, इस दीपन संस्कार करने के बाद पारित रेडी होता है कि उसके अंदर जो भी ड्रग आप डालोगे वो उसे अपने में एसिमिलेट कर लेगा, अपने में घोल लेगा, अपने में मिला लेगा। तो इस संस्कार को करने के लिए भी 3 दिन लगते हैं, कंप्लीट पूरा होने के लिए 3 दिन लगते हैं। तो इस तरह से हमारे 8 संस्कार पूरे कर दिए जाते हैं। लास्ट इज पारित गति। जब भी हम ये संस्कार करेंगे तो लास्ट पॉइंट आता है पारित गति का। जो संस्कार के लिए हमने शुरू में पारित लिया था वो अब रिड्यूस हो जाता है, उसकी रिडक्शन हो जाती है। अगर हम शुरू में 24 grams लेते हैं तो लास्ट में हमें कोई ना कोई रिडक्शन उसमें मिलती है। तो वो रिडक्शन किस वजह से होती है, तो पारित की गतियां होती है, मीन्स पारित हम कैसे लूज करते हैं ड्यूरिंग संस्कार। जब हम शुरू में पारित अगर 1 kilo लें तो उसमें से कुछ पार्ट ऑफ पारित जो है वो हमेशा हमें रिड्यूस मिलेगा, तो वो पारित कहाँ चला गया, तो वो डिटरमिन वो कैसे पता लगेगा हमें, पारित की गतियों द्वारा। तो पारित की 5 तरह की गतियों का वर्णन किया गया है। एक है जल गति, दूसरी हंस गति, तीसरा मल गति, चौथी धूम गति और जीव गति। इनमें से जो शुरू की 4 गतियां हैं इनको तो हम रोक सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, दे आर फिजिकली विजिबल, जबकि जीव गति जो है वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जल गति कब होती है, जब हम पारित का स्वेदन करते हैं या प्रक्षालन करते हैं, या मतलब फिल्ट्रेशन करते हैं या उसको साफ करते हैं स्वेदन करने के पश्चात, या कोई भी कर्म करने के बाद जब हम पारित को धोएंगे, फिल्टर करेंगे, उस टाइम पे जो लॉस ऑफ मर्करी विद वाटर या हॉट वाटर या कांजी के साथ होगा उसे हम कहेंगे जल गति। नेक्स्ट इज हंस गति। हंस गति में जब हम पारित को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो पारित हंस पक्षी की तरह बार बार मूव करता है, उछलता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते टाइम पे। बिकॉज ऑफ हाई मोबिलिटी ऑफ पारित जो हम यहाँ पे लॉस मिलेगा हमें उसे कहेंगे हम हंस गति। मल गति का मतलब है जब हम स्वेदन करेंगे या पातना प्रोसेस करेंगे उस वक्त जो ऐसी पारित जो कि केमिकली बाउंडेड रह जाएगा अपनी इम्प्यूरिटीज के साथ और हम उसे अलग नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे जो लॉस होगा उसे हम कहेंगे मल गति। यानी कि मल जो इम्प्यूरिटीज थी उनके साथ ही पारित जो रिड्यूस हो गया या चला गया। तो स्वेदन और पातना करते वक्त लॉस ऑफ मर्करी होगा एज अ पार्ट ऑफ इम्प्यूरिटी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट, उसे हम कहेंगे मल गति। धूम गति जब हम स्पेशली पातना प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम बार बार अग्नि का प्रयोग करते हैं और हम मर्करी को कन्वर्ट करते हैं वेपर फॉर्म में और फिर उसको बाद कंडेंसीफाई करके हम उसके लिक्विड फॉर्म में उसे कलेक्ट करते हैं, तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन जो लॉस ऑफ मर्करी होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसको हम कहेंगे धूम गति। जीव गति वो गति है जो नॉन रिकॉग्नाइजेबल है, जिसे हम कंट्रोल करना भी चाहें तो सिर्फ मंत्र और ध्यान से इसका कंट्रोल करने के बारे में बताया गया है। अदरवाइज आप जितनी मर्जी प्रिकॉशन ले लें, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पारित जो है वो लूज होगा ही होगा, उस लॉस को हम कहेंगे जीव गति, जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, जिसका हम कोई आंसर नहीं कर सकते, कोई लॉजिकल आंसर नहीं दे सकते हैं, उस गति को कहा गया है जीव गति। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर सच एन लॉन्ग टाइम एंड वी विल मीट अगेन विद सम न्यू टॉपिक्स ऑफ रसशास्त्र एंड विषज्ञ कल्पना।